क्या आपको पता है कि यदि आप अपनी कार की चाबियां अपने सिर पर इंगित करते हैं तो होता क्या है? और क्या आपको पता है कि पहला कंप्यूटर माउस प्लास्टिक का नहीं बनाया गया था? जी हाँ, आप इस वीडियो में ऐसे ही गजब तथ्यों के बारे में जानोगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना बिना स्किप किए। फैक्ट नंबर 5, आप सोचते होंगे कि हम अपने दिमाग का 10% हिस्सा का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह 100% रॉन्ग है। सच्चाई यह है कि मस्तिष्क के लगभग हर हिस्से का उपयोग करते हैं और अधिकांश भाग हर टाइम सक्रिय रहता है, लेकिन यह सच है कि मस्तिष्क का प्रत्येक भाग किसी भी समय समवर्ती रूप से सक्रिय नहीं होता है। जबकि मानव मस्तिष्क को शरीर की ऊर्जा के 20% हिस्सा की आवश्यकता होती है और हम अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि जींस में छोटी पॉकेट क्यों होती है? इसका कारण है, लेवी स्ट्रॉस कंपनी ने सबसे पहले जींस में छोटी जेब की शुरुआत की थी, जिसमें 1-2 सिक्के के अलावा शायद ही कुछ रखा जाता होगा। लेकिन इस छोटे पॉकेट का नाम वॉच पॉकेट है और यह सिक्के को नहीं बल्कि वॉच को रखने के लिए बनाया गया था। फैक्ट नंबर 3, जब हम किसी कंप्यूटर में फाइल को अस्थायी रूप से हटाते हैं तो क्या आपको पता है ये फाइल आखिर जाती कहाँ है? जी हाँ, आपके मन में भी ऐसा सवाल उठता होगा, लेकिन आपको बता दें कि कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डिलीट की गई फाइल कहीं नहीं जाती, ये कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में ही होता है और आप कभी भी फाइल को कंप्यूटर से नहीं हटा सकते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिकवर सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपनी अस्थायी रूप से हटाई गई फाइलें वापस ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डिलीट फाइल को वापस कैसे लाएं, इस टॉपिक पर वीडियो बने, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। फैक्ट नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर का पहला माउस प्लास्टिक का नहीं बल्कि लकड़ी का बनाया गया था और डगल्स सी एंगलवर्ट ने पहली बार कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया जो आयताकार था। इसके ऊपर राइट साइड बटन था और उन्होंने इस माउस को चूहा कहा और इसे 1968 में पेश किया गया। लेकिन माउस एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को नियंत्रित करने का तरीका नहीं बन पाया, जब तक कि एप्पल ने 1984 में मैकिंटोश को जारी नहीं किया। फैक्ट नंबर 1, जब आप अपनी कार की चाबियां अपने सिर पर इंगित करते हैं तो यह रिमोट की सिग्नल को बढ़ाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह आपके मस्तिष्क का उपयोग करके रेडियो ट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। अतः दोस्तों, मैं ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाता रहता हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको हर नए अमेजिंग फैक्ट्स का ताज़ा अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।